हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। जानिए कौन सी 10 समस्याओं से रक्षा करते हैं हनुमान जी। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। हिंदू धर्म के सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में हनुमान जी की कृपा जिस पर बरसना शुरू होती है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। 10 दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप है। जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ा समझो उसका संकट कटा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, गुरु, अन्य देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। हनुमान जी की भक्ति और हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति खुद को इन 10 तरह की बाधाओं से बचा लेता है। सबसे पहले है भूत पिशाच। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं भटक सकते। जिसे किसी अनजान शक्ति या भूत पिशाच आदि से डर लगता है वे हनुमान जी का बस नाम ही जपते रहेंगे तो भय मुक्त हो जाएंगे। भूत पिशाच जैसी ऊपरी बाधाओं से परेशान व्यक्ति को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और नित्य या मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को अगरबत्ती लगाना चाहिए। फैक्ट्री या व्यवसाय स्थान आदि पर भूत प्रेतों का साया न पड़े इसके लिए अपने अपने प्रतिष्ठानों के ऊपर हनुमान ध्वज यानी झंडा लगाना चाहिए। यह ध्वज लाल कलर का हो, बुरी आत्माओं का प्रवेश घर में ना हो। उसके लिए द्वार पर सिंदूर से राम राम लिखकर 7 बिंदु लगा दे जिससे आपका घर सुरक्षित रहेगा। मकान के आसपास शमशान हो या कोई खंडहर भवन हो तो ऐसे में मकान के ऊपर हनुमान ध्वज की स्थापना कर देनी चाहिए। यदि आप अंधेरे, भूत प्रेत से डरते हैं या किसी भी प्रकार का भय है तो आप हनुमन्ते नमः का रात को सोने से पूर्व हाथ पैर और कान नाक धोकर पूर्वाभिमुख होकर 108 बार जप करके सो जाएं। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आप में निर्भीकता का संचार होने लगेगा। शनि और ग्रह बाधा। जिसे लगता है कि उसको शनि या अन्य किसी ग्रह की बाधा है, जैसे कि 7.5, 8.5 या राहु की महादशा चल रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं। जिन पर हनुमान जी की कृपा होती है उसका शनि और यमराज बाल भी बाका नहीं कर सकते। आप प्रति मंगलवार हनुमान मंदिर जाइए और शराब व मांस के सेवन से दूर रहें। इसके अलावा शनिवार को सुंदर कांड या हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि भगवान आपको लाभ देने लगेंगे। शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को आटे के दीपक लगाएं। अब हम जानेंगे ऐसे 2 कारण जिसमें शनि और ग्रह बाधा होने पर हनुमान जी को क्यों पूजा जाता है। सबसे पहला कारण यह है कि चंद्रमा को हनुमान जी ने शनि से बचाया था तो वे चंद्रशेखर कहलाए थे। एक बार राम जप में बाधा डालने के कारण शनि देव को हनुमान जी ने अपनी पूछ में लपेट लिया था और अपना राम कार्य करने लग गए थे। इस दौरान शनि देव को कई चोटें आई। बाद में जब हनुमान जी को याद आया तो उन्होंने शनि देव को मुक्त किया। तब शनि देव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं राम कार्य और आपके भक्तों के कार्यों में कभी बाधा नहीं डालूंगा। एक बार हनुमान जी ने शनि देव को रावण की कैद से मुक्त कराया था, तब शनि भगवान ने वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखूंगा। दूसरा कारण यह है कि पराशर संहिता में हनुमान जी की शादी का उल्लेख है। माना जाता है कि हनुमान जी का विवाह सूर्य की पुत्री सुवरचला से हुआ था। आंध्र प्रदेश में खम्मम में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जहाँ हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी की भी मूर्ति विराजमान है। शास्त्रों में शनि महाराज को सूर्य का पुत्र बताया गया है। इस नाते हनुमान जी की पत्नी सुवरचला शनि महाराज की बहन हुई और सबके संकट दूर करने वाले हनुमान जी भाग्य के देवता शनि महाराज के बहनोई हुए। रोग और शोक। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। यदि आपको शरीर में पीड़ा है या आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तो आप हनुमान बाहुक का पाठ करें। हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित स्तोत्र है। जनश्रुति के अनुसार एक बार जब कलयुग के प्रकोप से उनकी भुजा में अत्यंत पीड़ा हुई तो उसके निवारण के लिए तुलसीदास जी ने इस स्तोत्र की रचना की।
यदि आप गठिया, वात, सिर दर्द, कंठ रोग, जोड़ों का दर्द आदि तरह के दर्द से परेशान है तो जल का एक पात्र सामने रखकर हनुमान बाहुक का 26 या 21 दिनों तक मुहूर्त देखकर पाठ करें। प्रतिदिन उस जल को पीकर दूसरे दिन दूसरा जल रखें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोर्ट कचहरी जेल बंधन से मुक्ति। हनुमान जी बंदी छोड़ बाबा है, उनके अलावा कोई अन्य बंदी छोड़ नहीं है। जो व्यक्ति नित्य सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है उसे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता। उस पर कारागार का संकट कभी नहीं आता, वह मानसिक रूप से भी बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण कारागार यानी जेल हो गई है तो उसे संकल्प लेकर क्षमा प्रार्थना करना चाहिए और आगे से कभी भी किसी प्रकार के कुकर्म नहीं करने का वचन देते हुए हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें। हनुमान जी की कृपा हुई तो कारागार से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो भी आप जीत जाएंगे। प्रति मंगलवार एवं शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर गुड़ और चना अर्पित करें और घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने से पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से बात न करें। जब 21 दिन पूरे हो जाएं तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी की कृपा हुई तो आप निश्चित ही कोर्ट केस से बरी हो जाएंगे। मारण सम्मोहन उच्चाटन। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं, इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हो और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हो। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो श्री बजरंग बाण आपको बचाता है और शत्रुओं को दंड देता है। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। 21 दिन में तुरंत फल मिलता है। घटना दुर्घटना से बचना। घटना दुर्घटना को राहु केतु और शनि अंजाम देते हैं, जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना या किसी मुसीबत का अचानक आ जाना। हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना और दुर्घटना से बचा लेते हैं। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। कभी कभी सुंदरकांड भी पढ़ें और बजरंग बाण भी। इसके अलावा साबर मंत्रों का भी ज्ञान प्राप्त कर लें। हनुमान जी का साबर मंत्र अत्यंत ही सिद्ध मंत्र है। इसके प्रयोग से हनुमान जी तुरंत ही आपके मन की बात सुन लेते हैं। यह मंत्र आपके जीवन के सभी संकटों और कष्टों को तुरंत ही चमत्कारिक रूप से समाप्त करने की क्षमता रखता है। हनुमान जी के कई साबर मंत्र हैं तथा अलग अलग कार्यों के लिए हैं। मंगल दोष। बहुत से लोग मंगल दोष के भय से ग्रसित हैं। शादी के लिए मंगल को जिन स्थानों पर देखा जाता है वे 1, 4, 7, 8 और 12 भाव हैं। ज्योतिषियों के अनुसार इनमें से केवल 8वां और 12वां भाव सामान्य तौर पर खराब माना जाता है। सामान्य तौर का अर्थ है कि विशेष परिस्थितियों में इन स्थानों पर बैठा मंगल भी अच्छे परिणाम दे सकता है। ऐसा माना जाता है कि 28 वर्ष की उम्र के बाद यह दोष समाप्त होना शुरू हो जाता है। मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करने एवं हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगली दोष शांत होता है। इसके अलावा लाल वस्त्र में मसूर दाल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, मिष्ठान एवं द्रव्य लपेटकर नदी में प्रवाहित करने से मंगल का अमंगल दूर होता है। कर्ज से मुक्ति। यदि किसी कारणवश आप कर्ज में डूब गए हैं या कर्ज से परेशान हैं तो हनुमान भक्ति से कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं लेकिन कठिन भी नहीं। हनुमान जी की कृपा हुई तो तुरंत ही इससे मुक्त हो जाएंगे। मंगलवार का दिन हनुमान जी का माना जाता है। यह दिन कर्ज से मुक्ति के लिए सबसे उत्तम है। यदि किसी से कर्ज लिया है तो उसे मंगलवार के दिन चुकाने के बारे में सोचें। बुधवार और रविवार को कभी किसी को उधार न दें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान मंदिर में नारियल रखना अच्छा माना जाता है। मंगलवार को इन चीज़ों के प्रयोग व दान का विशेष महत्व है, जैसे कि तांबा, केसर, कस्तूरी, गेहूं, लाल चंदन, लाल गुलाब, सिंदूर, शहद, लाल पुष्प, शेर, मृगछला, मसूर की दाल, लाल कनेर, लाल मिर्च, लाल पत्थर और लाल मूंगा। आटे के बने दीपक को बड़ के पत्ते पर रख कर जलाएं। ऐसे 5 पत्तों पर 5 दीपक रखें।
और उसे ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में रख दें। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करें। आप बेरोजगार हैं या आपका व्यापार नहीं चल रहा तो आप मंदिर में मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रति मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं। हो सके तो 5 शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। यदि यह संभव नहीं है तो 5 बार किसी शनिवार को चोला चढ़ाएं। आप अपने संस्थान में एक लाल कपड़े में नारियल को नाड़े से बांधकर एक और लटका दें। दूसरी चीज़ यह है कि यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाए तो जेब में लाल रुमाल या कोई लाल कपड़ा रखें। संभव हो तो लाल शर्ट भी पहने। आप जितना अधिक लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं करें, लेकिन यह याद रखें कि लाल रंग भड़कीला ना लगे, सौम्य लगे। आखिरी चीज़ यह है कि तनाव या चिंता। बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है जिसके कारण वे तनाव में रहने लगते हैं। तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है जिसके चलते व्यक्ति कई तरह के रोगों से भी घिर सकता है। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन हनुमान जी के मंत्र जो कि है ओम हनुमते नमः या ओम हनुमन्ते नमः का जप करते रहना चाहिए। रात में सोते समय उसे 108 बार इस मंत्र का जप करके सो जाना चाहिए और सुबह उठकर नित्य क्रम से निपटने के बाद एक आसन पर बैठकर इस मंत्र का जप करना चाहिए। धीरे धीरे भय, चिंता, तनाव और आशंका मिटने लगेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो को आप लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जरूर क्लिक करिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। और जल्द ही हम आपके लिए एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस लौटेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।